अगर आप डॉग लेने का सोच रहे हैं तो ये टेबल पे रखी हुई चीज़ें बहुत काम आने वाली है आपके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आप डॉग लेने का सोच रहे हैं तो ये टेबल पे रखी हुई चीज़ें बहुत काम आने वाली है आपके, खासकर तब जब आप लार्ज ब्रीड डॉग लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग। और अगर आपको उनको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं तो यू शुड बी लिटिल फिजिकली फिट। अगर आप उनको ट्रेनिंग देने का सोच रहे हैं तब तो अच्छा है, अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो ट्रस्ट मी, ये डंबल के साइज आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्ग के बारे में। इसको बोलते हैं कॉन्ग। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबर का बना होता है और अनब्रेकेबल होता ही है। ये मैंने करीब 8 महीने से रखा हुआ है और इसको कुछ नहीं हुआ अभी तक। इसमें 2 होल्स होते हैं, एक बड़ा होल एक छोटा होल। के अंदर आप कोई भी फ्रूट या कोई भी डॉग फूड डाल के आप अपने डॉग को दे सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँ। ये बेसिकली 5 साइज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। ये एक्सेल साइज़ है। अगर आपका डॉग लार्ज ब्रीड है और अगर पपी स्टेज में भी है तो आप ये ले सकते हैं एक्सेल साइज़, क्योंकि लार्ज ब्रीड डॉग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साइज में बड़ी चीज़ें ही लें उनके लिए। ये डॉग्स के मेंटल स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। डॉग इसमें बहुत बिजी रहते हैं और अलग अलग डॉग अलग अलग टेक्निक्स से ट्रीट्स निकालते हैं। ये आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको 1000 से 1200 के अराउंड आएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। मैं महंगी चीज़ों में कभी रिकमेंड भी नहीं करता पैसे लगाने के लिए, बट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि लार्ज ब्रीड वाले डॉग्स बहुत ही जल्दी चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं और ये लार्ज ब्रीड डॉग ओनर्स को अच्छे से पता होगा। फिर आते हैं हम कॉम्ब की तरफ। तो ये नॉर्मल कॉम्ब नहीं है, इसमें नीडल्स होते हैं आयरन के। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये बटन को प्रेस करके और इसको पीछे खींचने से ये नीडल अंदर चला जाता है, जिसके बाद आप डॉग्स के हेयर यहाँ से निकाल के फेंक सकते हैं डस्टबिन में और डॉग्स के आपके बाल इधर उधर घर में घूमेंगे नहीं। अगर आपका डॉग लॉन्ग कोट वाला है तब तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर शॉर्ट कोट वाला है फिर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉल उनका भी होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, उसके कोट पर आप लाइट हैंडेड यूज़ करें उसे। फिर आते हैं हम रबर वॉल की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, इससे डॉग बहुत पसंद करते हैं। ये नॉर्मल टेनिस बॉल है, आपको 40 या 50 के अराउंड में मिल जाएगा ये कहीं भी। बेसिकली आप आउटडोर्स में इससे फेच खेल सकते हैं। कॉन्ग से आप नहीं खेलिएगा बाहर, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मे भी गुम हो सकता है। फिर आते हैं नॉर्मल कॉम्ब पे। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर आप वो कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका क्या काम। तो बहुत बार डॉग्स का कोट वेट रहता है और हमें कॉम्ब करना होता है, तो आप उस टाइम पे ये यूज़ करें। उस टाइम पे आप वो यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेयर्स निकालता है वो, और रेगुलर ब्रशिंग के लिए ये ज़्यादा बेटर है। और उससे आप, मैं कहूँगा, वीक में 2 ही बार ब्रश करें, खासकर शॉर्ट कोट वाले। फिर आते हैं हम कॉलर्स और लीशेस की तरफ। ये डॉग चेन रखा है मैंने, ये मैं वॉकिंग के लिए यूज़ नहीं करता, बस मैं अपने डॉग को एज अ ज्वेलरी पहनाता हूँ। मैंने एज अ ज्वेलरी यूज़ किया है, तो आप भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर आते हैं हम डॉग हार्नेस की तरफ। ये है डॉग हार्नेस। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। डॉग कॉलर्स बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका डॉग उसे हेवी पुल करता है या आप उसे हेवी पुल करते हो तो उसके नेक के इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डॉग कॉलर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है, जैसे कि यहाँ पैडिंग भी दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है आपके डॉग्स के लिए। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अर्ली स्टेजेस से आप डॉग को ये पहनाना स्टार्ट कर दें, और जब भी लें एक साइज़ बड़ा लें, क्योंकि डॉग्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। फिर चलते हैं हम शॉर्ट लीश की तरफ। शॉर्ट लीश बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। मेक श्योर कि आप जब भी इस पर पैसे लगाएं तो थोड़ा महंगा वाला लेके आएँ, जो थोड़ा स्ट्रांग हो और लंबा चले, क्योंकि अगर ये वॉक्स पे टूटा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। घर में ट्रेनिंग के लिए तो ये अच्छा है, बट अगर आपको अपने डॉग को बाहर ले जाकर ट्रेन करना है तब लॉन्ग लीश की ज़रूरत पड़ती है। ये लॉन्ग लीश है, इसे लॉन्ग लाइनर भी बोलते हैं। ये आगे आने वाले मेरे प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये बेसिकली थोड़ा आपको डिस्टेंस देता है आपके डॉग से, ट्रेनिंग एक स्टेज ऊपर चला जाता है इनके साथ। बारिशों के मौसम में इस पर वॉक्स बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए। मैंने ये केबल वाला लिया है,
आप भी ये ले सकते हैं, बट आपका अगर डॉग ट्रेंड है तो। अगर आपका डॉग ट्रेंड नहीं है तो आप नॉर्मल फैब्रिक वाला ले सकते हैं, वो बेटर होगा। क्योंकि अगर आपका डॉग ट्रेंड नहीं है और उसने अगर एग्रेसिवली पुल किया आपको तो आपके हाथ हर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डॉग शैम्पू की ओर। ये भी बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है। मैं हिमालय का यूज़ करता हूँ, टेक्सन फ्लीस। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसका कंटेंट ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला शैम्पू कभी ना यूज़ करें, वो आपके डॉग के कोट को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्सन फ्लीस स्प्रे की तरफ। मैंने यहाँ वेरबैक का फेप्रोनिल स्प्रे यूज़ किया है, आप कोई सा भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा है। मेरे डॉग्स को ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ी है इसकी, क्योंकि मैं नेचुरल रेमेडीज़ में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। बट अगर आपके डॉग्स को टेक्स और फ्लीस ज़्यादा है तो आप इसे यूज़ करें, इसका रिजल्ट अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं हम डॉग ट्रीट्स की तरफ। मैंने यहाँ मीटअप का डॉग बिस्किट लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। मैंने बिस्किट इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा ईजी टू कैरी होता है, मैं बाहर भी लेके जा सकता हूँ इसको, काफ़ी ड्राई होता है तो कैरी करने में अच्छा होता है ये। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप 2-3 छोटे छोटे पैक्स मंगा के देख लेना। जो भी आपके डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे वहीं आप बड़े पैक में मंगाना, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर देयर रिवॉर्ड्स। आप अपने रिवॉर्ड्स हाई रखेंगे तो अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे वो। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।